गुड आफ्टरनून, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। कल जो परिचर्चा कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। चट्टानों के बारे में चर्चा कर रहे थे, औषधि चट्टानें, अग्नेय चट्टानें, इसको लेके हमने एक समझदारी बना ली है। कायंत्रित चट्टानों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा मैंने कल एक अनाउंसमेंट किया था कि जैसे ही ये चट्टानों वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एक समझदारी मुझे भी बने कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं कि नहीं। कुछ सवाल अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं नेक्स्ट हाफ एन आवर 30-35 मिनट्स में जो हम चर्चा करेंगे, उससे भी जुड़ा हुआ एक दो सवाल है, तो ध्यान से सुनिएगा, ताकि जैसे ही क्वेश्चंस की शुरुआत हो और उसमें कायंत्रित चट्टानों के संदर्भ में जो सवाल हो कर पाए आप लोग, ठीक है। एक दो सवाल आपके हैं, उनको पहले ले लेते हैं फिर शुरू करते हैं। खालिद का एक सवाल है, जब लावा बाहर आकर ठोस हो जाता है तो दोबारा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया लावा ठोस होता है, ठीक है, क्या इस तरह से बेसाल्ट में स्तरों का निर्माण नहीं होता है? देखिए, ये पीरियड जो होता है, एक बार लावा विस्फोट और उसके बाद फिर दूसरा लावा का विस्फोट, उसमें 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल कई बार अंतर होता है, डिफरेंस होता है। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में लावा के अलग स्तर, मतलब लावा जम गया और फिर उसके ऊपर लावा है, फिर लावा है, ऐसा नजर नहीं आता। लावा है उसके बीच में हो सकता है कि अवसादी चट्टाने हो, उसके कुछ मोटाई के बाद 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर के बाद हो सकता है कि दोबारा लावा का निक्षेप हो, क्लियर है। इसलिए हम कहते हैं कि लावा का स्तरों में स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है। और स्ट्रेटिफिकेशन होने का कारण क्या है, या स्ट्रेटिफिकेशन के माध्यम से या स्तरों के माध्यम से चट्टानों का या लिथिफिकेशन के माध्यम से चट्टान बनने का जो मूल कारण है वो ये है कि औषधि चट्टाने जो हैं, है ना, औषधि चट्टाने, वो तो केवल गाद बालू मिट्टी ही तो है। इन गाद बालू मिट्टी का पत्थर के रूप में परिवर्तन ऊपर के वजन से होता है, ऊपर के प्रेशर से होता है। और इस संदर्भ में जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो एक लेयर के रूप में या एक ऊपर के भार के कारण एक लेयर या सतह के रूप में बन जाता है। उसके ऊपर वाला हिस्सा जब बोझ बढ़ेगा तब एक लेयर के रूप में विकसित होगा। लेकिन लावा एक बार निकला, ठंडा हुआ, ठोस हो गया और पत्थर या चट्टान के रूप में हमको मिलने लग गया, इसलिए उसमें स्तर नहीं होता है। और दो इरप्शन के बीच में अपेक्षाकृत एक लंबा समय या अंतराल होता है, ठीक है। खालिद, एक सवाल सरिका का है कि सर, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों को समझा दीजिए। विस्तार से चर्चा किए हैं अपक्षय को लेके कि कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं या किस प्रकार विभाजित है कॉलम में। अच्छा, कॉलम वाला, हाँ, कॉलम वाली चर्चा करेंगे आपके साथ, ठीक है। कॉलम वाली चर्चा ये कायंत्रण हो जाने दीजिए, आप लोग टेस्ट दीजिए और उसके बाद फिर इस चैप्टर को क्लोज करके आपके इस सवाल का उत्तर देंगे कि जो भी कॉलम वाला था उसको लेके एक बार चर्चा आपके साथ कर लेंगे, कल आपने पूछा था, ठीक है। ठीक है सरिका, चर्चा करते हैं उसके बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये है कायंत्रित चट्टाने, औषधि चट्टाने और अग्नेय चट्टानों को लेके हमारी समझदारी बन गई है। इसको ध्यान से सुनिएगा या ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कायांतरण है ना, जैसा कि कल भी मैंने कहा था, जैसा कल भी मैंने कहा था जैसा कल भी मैंने कहा था कि जो कायंत्रित चट्टाने हैं, काया का परिवर्तन, चेंज है ना, यानी कि बदलाव हो रहा है, चट्टान बदल रही है, उसकी वेशभूषा बदल रही है, ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो अग्नेय चट्टाने जो हैं वो उसका कायंत्रण हो जाता है और कुछ और बन जाती है, औषधि चट्टानों का कायंत्रण हो जाता है और कुछ और बन जाती है। सवाल ये उठता है कि ये जो कायंत्रण होता है ये होता क्यों है, ये जो कायंत्रण होता है ये होता क्यों है। ये सामने आ रहा है, ये कायंत्रण होता क्यों है,
तो इसको समझने के लिए दो पॉइंट्स हैं इसमें, केवल टू पॉइंट्स हैं। दो पॉइंट्स को समझ लेंगे तो कैंथरी चट्टाने क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ दो पॉइंट्स हैं। कायांतरण है ना, किसी भी चीज को बदलना हो, जैसे मान लीजिए ये पानी का एक बॉटल है, अब मान लीजिए कि मुझे इसको बदलना है, ये थोड़ा ज्यादा फैलाव है इसमें है ना, और ये एक ठोस अवस्था में है, मैं चाहता हूं कि मैं इस प्लास्टिक को थोड़ा बदलूं, इसको चेंज करूं है ना, इसको कोई और आकार दूं, इसको थोड़ा और इसकी सघनता को बढ़ाऊं, घनत्व को बढ़ाऊं, और उस पूरी परिप्रेक्ष्य में मैं इसको बदलना चाहता हूं। अब मैं अगर इसको बदलना चाहता हूं तो कैसे बदलूंगा है ना, पहले तो ये बॉटल है, मान लीजिए मुझे इसके घनत्व को बढ़ाना है, या मान लीजिए कि इसका घनत्व बढ़ाता हूं, तो मान लीजिए सपोज ये कुछ और बन जाता है, तो अगर मुझे इसको बदलना है तो डेफिनेटली इस पे दाब या दबाव मुझे बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। खूब दबाव दूंगा, खूब दबाव दूंगा, खूब दबाव दूंगा, तो सालों हजारों सालों तक ऐसा करता रहूंगा तो शायद ये कुछ और बन जाए। जैसे ये एक लकड़ी है ना, इसको मैं दबाऊंगा तो ये दबेगा नहीं, इतना एनर्जी नहीं है मेरे पास, लेकिन प्रकृति के पास है, प्रकृति इस लकड़ी को लगातार दबाती रहती है ना, इसको पुश करती रहती है, क्रश करती रहती है, और हजारों सालों में ये दबते 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 यही लकड़ी कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाती है ना, लकड़ी कोयला बन जाती है। इसका मतलब है कि अगर हमको चट्टानों में परिवर्तन लाना है या उसकी वेशभूषा को बदलना है, तो अगर हम उस पर दबाव लगातार बनाए रखें, हाई प्रेशर, और सालों, दो साल, 200 साल, 400, हजारों, लाखों साल तक अगर हम ऐसा करते रहें, तो ये चट्टान कोई और रूप धारण कर लेती है। इसका मतलब है कि दाब एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, दबाव से कोई चीज को बदला जा सकता है, जीवन में भी दबाव से बहुत सारी चीजों को बदला जा सकता है, और अगर दबाव काम ना करे तो क्या कहते हैं, आग लगा दो इसको। तो दूसरा जो तरीका है वो क्या है, दूसरा तरीका ये है कि दबाव के अलावा तापमान भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, या गर्माहट या टेम्परेचर है ना। इस लकड़ी को अगर मैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करता रहूं तो यही चारकोल बन जाता है ना, चारकोल, यही लकड़ी चारकोल बन जाता है अगर मैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में लगातार इसको हीट करता रहूं, गर्म करता रहूं, और फिर हम उसको जलाते हैं, चारकोल को इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा एनर्जी देता है, ज्यादा हीट देता है। तो इसका मतलब यह है कि इस लकड़ी को मुझे परिवर्तन करना है तो एक तो दाब, खूब दबाव लगाऊं, और दूसरा मैं इसको हीट करूं, इसके तापमान को बढ़ाऊं, और उस पूरी प्रक्रिया में मैं इसमें बदलाव कर सकता हूं। तो ऐसे ही प्रकृति में भी जो भी चट्टाने हैं, चाहे वो औषधि हो, चाहे वो अग्नेय चट्टाने हो, अगर हमको उनका रूपांतरण करना है, उसके रूप को परिवर्तित करना है या उसका कायांतरण करना है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है तापमान का, टेम्परेचर या तापमान, और दूसरा है दाब, दूसरा है दाब। ये दो महत्वपूर्ण तरीके हैं, दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं, जिससे अग्नेय चट्टाने कायांतरित चट्टाने हो जाती हैं, औषधि चट्टाने जो है वो उनका कायांतरण होता है, उनमें बदलाव होता है। क्लियर है? यहां पर ये जो है वो यही है, कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टाने। अगर आप स्क्रीन को ध्यान से देखें तो देखिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। दो चीजों के बारे में ये स्क्रीन पे जो ये इमेज बना हुआ है, एक ऊपर से नीचे की तरफ ये जो एरो आ रहा है, ये क्या बता रहा है, कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, दाब लगातार वजन बढ़ते 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 उसका घनत्व तो बढ़ता जाएगा और वो कुछ और चीज में परिवर्तित हो जाएगी। एक दूसरा, मान लीजिए कि पृथ्वी के नीचे कुछ चट्टाने हैं, पृथ्वी के नीचे कुछ चट्टान है ना, वो बेचारा आराम से शांति से बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि बस अपनी जिंदगी कट रही है, लेकिन अचानक होता क्या है कि नीचे से मैग्मा आना शुरू हो जाता है। पृथ्वी कहता है या कहती है कि इतनी शांति से कैसे बैठोगे, थोड़ा तो परेशान मैं आपको करूंगा ही, जैसे मैं अभी थोड़ी देर में आपको परेशान करूंगा क्वेश्चंस पूछ के। तो वैसे ही मान लीजिए कि मैग्मा आ गया या गर्माहट आ गया, तो ये गर्माहट आ रहा है लेकिन निकल नहीं पाया या बाहर नहीं आ पाया, पृथ्वी के नीचे ही ये ठंडा होना शुरू हो गया या वहीं पर वो जमा होना शुरू हो गया। उसका नाम लैकोलिथ कहिए, फेकोलिथ, लोपोलिथ, कुछ भी नाम दे दीजिए, सिल्स, डाइक्स, आंतरिक जो भी अभ्यंतरिक, या हम लोगों ने प्लूटोनिक रॉक्स के बारे में देखा था या समझा था, तो ये जो
मैग्मा आया है, इस अपने साथ गर्माहट लेके आया हो लाएगा, और जब ये गर्माहट लेके आएगा तो अपने आसपास की चट्टानों को भी वो गर्मी ट्रांसफर कर रहा होगा, और अगर वो गर्माहट ट्रांसफर हो कर रहा होगा तो उस गर्माहट से इसके आसपास की चट्टानों में भी बदलाव हो रहा होगा। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि अवसादी चट्टाने कायंत्रित चट्टानों में बदल जाती हैं और अग्नेय चट्टानों का भी बदलाव होता है, रूपांतरण होता है वो काय, और उनका कायंत्रित चट्टानों में वो बदल जाती हैं। दाब और तापमान ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। जब चट्टानों को अत्यधिक तापमान और दबाव के अधीन किया जाता है तो उनकी रसायन विज्ञान बदल जाती है या उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, और जो चेंज हो जाता है इसी को हम कायंत्रित चट्टाने कहते हैं। इसमें वही है, अब मोटी मोटी बातें जो है कि ये जो कायांतरण है उसका मतलब क्या होता है, तो मेटामॉर्फिक या एक कह सकते हैं कि ग्रीक भाषा से लिया गया है मेटामॉर्फस, जिसका मतलब होता है रूप परिवर्तन, रूपांतरण या कायांतरण। तो मेटामॉर्फिक एक ग्रीक शब्द है और वहां से वो मेटामॉर्फस या रूप परिवर्तन ये शब्द आया है। इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू होता है क्या, इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी की सतह के निकट या ऊपर दाब आयतन या तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है। दाब आयतन में परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि दाब काम करेगा, एरिया कब बदलेगा किसी का, जैसे इसको मैं दबाऊं, अभी इसका एरिया आधा लीटर पानी रखने का है, सपोज हाफ लीटर पानी इसमें आ सकता है, मैं इसको दबा के क्रश कर दूं तो इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, इसका आयतन कम हो जाएगा, कैसे, दाब प्रेशर। तो दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, दाब और तापमान और बाकी उससे जुड़े हुए पहलू हैं। दाब एवं ताप में परिवर्तन चट्टानों के मूल लक्षणों, उनके रंग, उनके स्ट्रक्चर, कठोरता, बनावट, खनिज संरचना, इन सब चीजों को बदलते हैं, कुल मिलाकर उसके घनत्व में परिवर्तन लाते हैं। कायंत्रण की प्रक्रिया औसादी और अग्नेय दोनों प्रकार के चट्टानों में हो सकती है, जो मैं पॉइंट आपको बता रहा था। कायंत्रण वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों के कणों का पुनः क्राइस्टलाइजेशन होता है, पुनः क्राइस्टलाइजेशन होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि हमने देखा था कि जो अग्नेय चट्टाने होती हैं जो पृथ्वी के सतह के नीचे बनती हैं, धीरे धीरे करके ठंडा होती हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया में उनमें जो रवों का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था, और जो ऊपर जो मैग्मा या लावा ऊपर आके जम जाता है उनमें रवों का या क्राइस्टल्स का साइज छोटा होता है। अब इमेजिन करिए कि पृथ्वी के नीचे जो अग्नेय चट्टाने हैं वो आराम से है, मैग्मा निकला, धीरे धीरे करके ठंडा हो गया, और ठंडा होके उसका अपना रवा विकसित हो गया, है ना, क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गया। अब वो बेचारा आराम कर रहा है, सुस्ता रहा है, उतने में नीचे से मैग्मा आ गया, और नीचे से मैग्मा आ गया तो जो भी क्रिस्टल बना होगा उन सबको पिघलाना शुरू करेगा, उन सबको पिघलाना शुरू करेगा। तो जब पिघलाना शुरू करेगा तो उन क्रिस्टल्स का रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, दोबारा से उनमें रवों का निर्माण होगा। यही पॉइंट यहां पर लिखा है, कायंत्रण वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों के कणों का पुनः क्रिस्टलाइजेशन होता है, या पुनः उनका जो रवा है वो दोबारा उसका बनावट बनता है, दोबारा से वो बनते हैं, तथा मूल चट्टान के रवे या परते पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, उनमें बदलाव होता है। क्यों, क्योंकि तापमान एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, ऊपर का दाब एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो उनके कणों को, क्रिस्टल्स को बदलता है या रिक्रिस्टलाइजेशन करता है, या रवों में पुनः बदलाव करता है। ये कुछ मूल बातें हैं, है ना, इनको ध्यान रखना है। कायंत्रण की प्रक्रिया में चट्टानों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायंत्रण चट्टानों में खनिज कणों की इस व्यवस्था को रेखांकन या फॉइलेशन कहते हैं। दोबारा से जो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, यह जो सतह होता है उसकी जो रेखाएं होती हैं वो दोबारा से बनती हैं, है ना, दोबारा से, चूंकि क्रिस्टल्स शेप लेते हैं, मान लीजिए कि कुछ कुछ ऐसे करके निकला हुआ है, ऊपर से दाब पड़ा तो हो सकता है कि वो संकुचित हो जाए, तो ऊपर का जो बेड है वो दोबारा से बनेगा। जैसे इसको सिंपल ऐसे समझिए, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझिए, कि मान लीजिए कि हम बेड पे सोए हुए हैं, पहले बेड को अच्छे से बिछाया हो, है ना, बेड को बहुत अच्छे से बिछा दिया हमने, एकदम बिल्कुल फ्लैट हो गया, फिर क्या हुआ, हम उस पर सो गए तो थोड़ा सा मुड़ उड़ गया, क्लियर है। तो चट्टाने जो है कुछ ऐसा समझिए कि मुड़ी उड़ी है प्रकृति में, और जब ऊपर से हीट पड़ा, दाब पड़ा, तो दोबारा से वो जो मुड़ी हुई है या चादर जो इधर उधर से सिकुड़ गया है या संकुचित हो गया है, वो दोबारा से उसका रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, दोबारा से उनका
रिक्राइस्टलाइजेशन होने की प्रक्रिया में पूरा उसका सतह का दोबारा निर्माण होगा। फॉइलेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में, इसी को हम रेखांकन या पतरण, दोबारा से वो सिस्टेमेटाइज होता है। क्लियर है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक आध पॉइंट कभी फॉइलेशन के संदर्भ में प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेटमेंट दे सकता है कि कैंथरी चट्टानों में फॉइलेशन पाया जाता है, रेखांकन पाया जाता है, स्टेटमेंट ठीक होगा। क्यों होगा? क्योंकि रीस्ट्रक्चर होता है, रवे दोबारा से रिक्राइस्टलाइजेशन उनका होता है और दोबारा से वो रीअरेंज होते हैं, तो उसी को हम रेखांकन या फॉइलेशन के नाम से कहते हैं। क्लियर है, इतनी समझदारी हमारी इस कायंत्री चट्टानों को लेके बनी। ये चार पांच पॉइंट्स हैं, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस किया, ये मैं बोल भी चुका हूं लेकिन एक एक करके इसलिए डिस्कस किया क्योंकि कई बार प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं स्टेटमेंट में से कुछ स्टेटमेंट सवाल के रूप में आपके सामने होंगे। क्लियर है, अभी थोड़ी देर में मैं भी पूछूंगा, इन्हीं स्टेटमेंट में से कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखूंगा भी। ये है फॉइलेशन, जो फॉइलेशन या रेखांकन हम लोगों ने देखा। ध्यान से जो इमेज है उसको देखिए, प्रेशर और तापमान के कारण वो दोबारा से रीअरेंज होते हैं, है ना। ये इस लाइन को देखिए, दोबारा से एक लाइन में रीअरेंज हो रहे हैं, है ना, इसी को हम रेखांकन कहेंगे। या इमेज में देखिए, जो इमेज है नीचे प्रेशर और हीट के नीचे, उसको देखिए दोबारा से रीअरेंज हो रहे हैं। देखिए ध्यान से, रीअरेंजमेंट हो रहा है। एक बार और देखिए, क्लियर हुआ। फॉइलेशन मतलब थोड़ा इमेजिनेशन आपको बढ़ाने के लिए कि आप समझे कि होता क्या है, कुछ इस तरह से ये अरेंज होते हैं, जो भी क्रिस्टल्स है वैसे अरेंज है और ऐसे अरेंज है और ऊपर से दाब पड़ा, ऊपर से तापमान या नीचे से हीट बढ़ा, हीट या प्रेशर किसी भी कारण से, तो इनका रीअरेंजमेंट होगा और ये कुछ एक रेखांकन एक लाइन में अपने आप को अरेंज करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम फॉइलेशन कहते हैं। तो ये शब्दावली ध्यान रखना है आपको, उसी के बारे में ये है। अब यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि जब खनिज के दाने समतल हो जाते हैं या दबाव के परिणाम स्वरूप एक लाइन में खुद को अरेंज कर लेते हैं, है ना, अलाइन कर लेते हैं, तो हम उसको फॉइलेशन कहते हैं। जैसे स्लेट निस में बदलता है ना, या संगमरमर जो है वो क्वार्ट्ज में बदलता है। संगमरमर मार्बल जो है वो क्वार्ट्ज में बदलता है। तो मार्बल आपने सुना ही होगा, है ना, मार्बल, संगमरमर, है ना, सिलिका की मात्रा इसमें ज्यादा होती है और ऑक्सीजन, दो चीजों से बना होता है, और क्वार्ट्ज और दाब उसके ऊपर पड़ता है तो क्वार्ट्ज में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम कायंत्री चट्टानों का वर्गीकरण करें तो दो प्रकार का हो सकता है। एक तापीय रूपांतरण हो सकता है, जो अभी हम लोगों ने बताया, ताप के कारण रूप में परिवर्तन हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है वो अवसादीय अग्नेय चट्टाने कायंत्री चट्टानों में बदल सकती हैं। एक यानी कि तापीय रूपांतरण, टेम्परेचर के द्वारा बदलाव, और दूसरा है दाबीय रूपांतरण, प्रेशर, ऊपर के बोझ, ऊपर के भार के कारण नीचे के स्ट्रक्चर में परिवर्तन, रीअलाइनमेंट, फॉइलेशन। ये चीजें इन दोनों प्रक्रियाओं से हो सकती हैं। इसका मतलब है तापीय कायंत्रण और दूसरा है गतिक। अभी देखते हैं गतिक। तो तापीय का मतलब है क्रस्ट के अंदर उच्च तापमान के कारण जो है मूल चट्टान से परिवर्तित हो जाती है, जैसे चूना पत्थर संगमरमर में, संगमरमर जो है क्वार्ट्ज में, बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में, सैंडस्टोन, कल देखा था हम लोगों ने सैंडस्टोन के बारे में, है ना, बलुआ पत्थर जो का जो कायंत्रण होता है उसको हम बलुआ पत्थर को क्वार्ट्जाइट कहते हैं। शेल का स्लेट में शेल पत्थर हम लोगों ने देखा था, गाद से बना हुआ शेल, वो बदलता है, उसका कायंत्रण होता है तो स्लेट में। कोयले का जब रूपांतरण होता है, खूब दाब, खूब तापमान झेलता है तो ग्रेफाइट में, और ज्यादा झेलता है तो डायमंड में। क्लियर है। तो इसमें तापीय कायंत्रण को हम लोगों ने समझ लिया। इस तापीय कायंत्रण में एक हो गया कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट का मतलब है कि वो तापमान आप तक पहुंच गया, आप तक आके आपको गर्म किया, जैसे कि मैग्मा का राइज है, मैग्मा आया नीचे से और ऊपर नहीं निकल पाया और आसपास की चट्टानों से के संपर्क में आ गया और उस पूरी प्रक्रिया में वो तापमान को ट्रांसफर करता है। संपर्क, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, चट्टानों में गर्म ऊपर से आते हुए, ऊपर आते हुए मैग्मा या नीचे से ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती है तथा उच्च तापमान में चट्टानों के पदार्थों में रिक्राइस्टलाइजेशन या रवों का दोबारा से पुनर्निर्माण करती है। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एक शब्दावली है,
जो ऑप्शनल के स्टूडेंट होंगे उनको मालूम होगा, मैं थोड़ा सा गहराई में ले जाके आपको बता रहा हूँ ताकि भविष्य में कभी कुछ ऐसा सवाल आए, मुश्किल सवाल आए, तो करने वाली स्थिति में हो। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, ध्यान रखिएगा इसको, यानी कि संपर्क, नीचे से मैग्मा आया और आसपास की चट्टानों के साथ संपर्क स्थापित किया, और संपर्क स्थापित किया तो उस पूरी प्रक्रिया में रूपांतरण हो गया। तो तापीय कायंत्रण में एक ये पहलू हो सकता है। दूसरा है प्रादेशिक कायंत्रण। प्रादेशिक है ना, प्रादेशिक, प्रादेशिक को अंग्रेजी में रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। क्यों प्रादेशिक, यह शब्द को लेके थोड़ी समझदारी, पहले हम लोगों ने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किया ही है। प्लेट विवर्तनिकी से जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं सपोज, तो क्या केवल एक छोटे से हिस्सा प्रभावित होता है या हजारों हजार किलोमीटर का क्षेत्रफल प्रभावित होता है? जैसे अगर हम भारत का हिमालय का क्षेत्र देखते हैं, भारत का मान लीजिए हिमालय का क्षेत्र देखते हैं, तो यह 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है ईस्ट से वेस्ट के बीच में, 2400 किलोमीटर लंबा है ना, और लगभग 600 किलोमीटर का इसका विड्थ है। तो ये जो 2400 किलोमीटर लंबा पूरब से पश्चिम तक का क्षेत्र है, तो क्या हम इसको एक बड़ा विशाल क्षेत्र नहीं कह सकते? एक प्रदेश है, एक रीजन है। तो प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से जो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, टकराने के माध्यम से जब वो संकुचन करती हैं, तो दाब नहीं बढ़ता होगा प्लेट के बीच में। इमेजिन करिए, प्लेट के बीच में जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, तो जो भी बीच का मटेरियल होगा वो लगातार दाब को झेल रहा होगा, और अगर दाब को झेल रहा होगा तो लगातार उसमें परिवर्तन होगा। तो हिमालय पर्वत में हमको खूब सारे कायंत्रित चट्टानें मिलेंगी, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार के हमको वहां पर जो है कायंत्रित चट्टानें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं और बीच का जो भी मटेरियल उसका लगातार संकुचन हो रहा है, लगातार उसका संकुचन हो रहा है, और उस पूरी प्रक्रिया में जो है बहुत सारे हमको कायंत्रित चट्टानें मिलेंगी। लेकिन ये जो प्लेट विवर्तनिकी है, यह एक बड़े स्केल पे, अपेक्षाकृत एक बड़े विशाल स्केल पे जो परिवर्तन हो रहा है क्षेत्रीय स्तर पर, हमने उसको क्या कहा? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में के तहत, सॉरी, उसको प्रादेशिक रूपांतरण कहा। एक बड़े क्षेत्र पे, एक बड़े रीजन पे उसका प्रभाव हमको नजर आ रहा है ना, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। जरा सोचिए कि जो हम लोगों ने पहला किया, जो या पहला कायंत्रण वाला जो अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने बनाया, जिसमें हम लोगों ने कहा कि तापीय रूपांतरण होता है, तो ताप का मतलब है मैग्मा। अब सोचिए क्या, जैसे 2400 किलोमीटर लंबा एक बड़ा क्षेत्रफल है, इस पे प्लेटों के टकराने के कारण रूपांतरण इतने बड़े क्षेत्रफल में हो रहा है, और इतने बड़े क्षेत्रफल में अलग अलग प्रकार के हमको चट्टानें मिल रही हैं, क्या ज्वालामुखी के माध्यम से या नीचे से जो मैग्मा निकल रहा है, क्या इतने बड़े विशाल क्षेत्र पे कायंत्रण कर रहा होगा? नहीं, इसलिए हमने बस उसको तापीय रूपांतरण के रूप में सीमित किया। और क्षेत्र रूपांतरण के संदर्भ में जो प्लेटों का मूवमेंट है, उसके द्वारा एक विशाल एरिया प्रभावित हो रहा है, यही पॉइंट यहां लिखा हुआ है। प्रादेशिक कायंत्रण में विवर्तनिकी दबाव, प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम एक बड़े विशाल क्षेत्र में उत्पन्न उच्च तापमान और दाब के कारण चट्टानें विपरीत होती हैं, तथा उनमें दोबारा से रिक्राइस्टलाइजेशन या क्राइस्टलाइजेशन या रवों का निर्माण होता है, और इस पूरी प्रक्रिया में जो है वो ताप उसमें उस पूरी प्रक्रिया में कायंत्रण होता है। तो तापीय कायंत्रण के तहत दो पहलू हो गए, एक कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म संपर्क में आने के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, मैग्मा के संपर्क में आने के कारण, और दूसरा हो गया आपको प्रादेशिक कायंत्रण। ये दोनों को ध्यान रखना है, ये दोनों ही तापीय कायंत्रण के उदाहरण हो गए। अब दूसरा गतिक कायंत्रण है ना, ये क्या है? गतिक, गति, ऊपर से नीचे की तरफ की गति, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर जो मटेरियल है वो लगातार नीचे जा रहा है, ऊपर के दाब के कारण लगातार नीचे जा रहा है। ये जो वर्टिकल गति है ऊपर से नीचे की जाने की तरफ, ये लगातार जो नीचे वाला लेयर होगा वो लगातार दाब को, लगातार तापमान को महसूस कर रहा होगा, और लगातार दाब और तापमान को महसूस करेगा तो वही होगा जो प्लेट विवर्तनिकी कर रहा था, वही होगा जो मैग्मा संपर्क में आके गर्माहट को ट्रांसफर कर रहा था। ऊपर से नीचे जाने में दाब और तापमान दोनों बढ़ता चला जाता है, और ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? तो एक तो प्लेट विवर्तनिकी हम लोगों ने देख लिया तापीय रूपांतरण के संदर्भ में, दूसरा है गतिक का मतलब है ऊपर के भार के कारण लगातार चीजें नीचे की तरफ जा रही हैं। तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर वाले बोझ को झेल रहा है, और झेल रहा है तो बदलेगा, बदलना पड़ेगा। क्लियर है?
गतिक रूपांतरण, बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के चट्टान के टूटने पिसने के कारण मूल चट्टानों के पदार्थों का पुनः संगठन होता है। क्रस्ट के नीचे अत्यधिक गहराई में दाब में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है और पूरी प्रक्रिया में वो चेंज हो जाता है या कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता है। सेम उदाहरण है ग्रेनाइट का निस में बदलना, शेल का सिस्ट में बदलना, ये सब इसके उदाहरण है या कह सकते हैं कि ये इसके उदाहरण है। तो अगर मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटामॉर्फिक या कैंथरिक चट्टानों से आप क्या समझते हैं समझाइए, तो आपको ये सारी चीजें समझानी पड़ेंगी, इन पहलुओं को एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि सर कायंत्रण का मतलब ये है और इस तरह से होता है। एक तापीय कायंत्रण कहते हैं, उसमें संपर्क और प्रादेशिक लेवल पे हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दो दो लाइन तीन तीन लाइन बताना पड़ेगा। और दूसरा हमको बताना पड़ेगा कि सर एक गतिक कायंत्रण का भी कॉन्सेप्ट है। इन सब को बता देंगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि कायंत्रित चट्टानों या रूपांतरण को लेके आपकी एक बेहतर समझदारी है। एक दो उदाहरण इसमें से एग्जामिनर के सामने रख दीजिएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये वही है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के संदर्भ में कि कैसे मैग्मा आया, कॉन्टैक्ट में आया और गर्माहट पैदा कर दिया। क्षेत्रीय स्तर पर या प्रादेशिक लेवल पे जो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं उस पूरी प्रक्रिया में ऐसी स्थिति होती है। जैसे यहां पर देखिए, इस ध्यान से देखिए कि यहां पर लहरदार चट्टानें नजर आ रही हैं आपको, लहरदार है ना। प्रादेशिक चट्टान को देखें या प्रादेशिक, ये जो कॉन्सेप्ट हमने किया था प्रादेशिक कायंत्रण, इसमें क्या हो रहा है, प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। और प्लेटें आपस में टकरा रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको देखते हैं तो ये किस बात को बताता है, ये जो चट्टानें ऐसे लहरदार हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, है ना, ये क्यों हो रही हैं? ये इसीलिए हो रही हैं क्योंकि दोनों तरफ से लगातार दबाव महसूस हो रहा है, दोनों तरफ से लगातार दबाव दिया जा रहा है, प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं, प्लेटें एक दूसरे के लगातार करीब आ रही हैं। प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं और उस पूरी प्रक्रिया में यहां पर एक ऐसी स्थिति बन रही है, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने रीजनल मेटामॉर्फिज्म या प्रादेशिक स्तर पर कहा। इसका मतलब है कि जो प्रादेशिक कायंत्रण है उसमें हमको ऐसी लहरदार चट्टानें तो मिलेंगी, क्लियर है, जो प्रादेशिक कायंत्रण होगा उसमें जो चट्टानें या जो भी हमको कायंत्रित चट्टानें मिलेंगी उसमें हमको ऐसा लहरदार रूपांतरण डेफिनेटली मिलेगा, क्लियर है, ये ध्यान रखना है, ये बताना है। इस पूरी प्रक्रिया में सोचिए कि ये जो मिट्टी था ऊपर, ये जो नीचे है, लगातार दाब के कारण ये संकुचन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और कंप्रेशन हो रहा है तो उसका दाब लगातार बढ़ रहा है और उस पूरी प्रक्रिया में उसका परिवर्तन हो रहा है और वो लगातार बदल रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। चलिए अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं। कैंथी चट्टानों की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, है ना, कुछ विशेषताएं, इनकी विशेषताएं क्या होंगी। एक, ये आमतौर पर कठोर होंगी, जो औसादी चट्टान होंगी उनसे तो कठोर होंगी क्योंकि उनका और भी ज्यादा संघनन होगा तभी वो बदलेंगी। अग्नेय चट्टानों को जब खूब दबाया जाएगा, है ना, तब जाके वो परिवर्तन होगा। इसका मतलब है कि अपेक्षाकृत इनका घनत्व, इनकी कठोरता होगी काफी, क्लियर है, ये ध्यान रखना है, इनका अपेक्षित घनत्व अधिक होगा। जैसा मैंने बताया दोनों तरफ से दबाया जा रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो घनत्व या डेंसिटी अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। तो कायंत्रित चट्टानों का अपेक्षाकृत घनत्व ज्यादा होता है, कायंत्रित चट्टानें अपेक्षाकृत ज्यादा कठोर होती है क्योंकि लगातार संकुचन की प्रक्रिया से या तापमान के द्वारा लगातार उनमें बदलाव हुआ है। कैंथरी चट्टानों में बेंडिंग नजर आती है ना, बेंडिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे बेंड नजर आते हैं, है ना, ऐसे फोल्ड नजर आते हैं, ऐसी बेंडिंग्स नजर आती है, तो बेंडिंग नजर आता है। इसके अलावा इन चट्टानों के मध्य रिक्त स्थान होगा कि नहीं होगा, आप सोचिए कि जिसको इतना दबाया जाएगा उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो भी जिनसे वो बने हैं क्या उनके में उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस बचेगा, नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि खूब उनको प्रेस किया जा रहा है, खूब उनको दबाया जा रहा है, क्लियर है, इन चट्टानों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। कायंचित चट्टानों में जीवाश्मों का प्रायः अभाव रहता है, क्यों रहेगा, नीचे जाएंगे अत्यधिक दाब, अत्यधिक प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण
वो जीवाश्म लगातार खत्म होते चले जाएंगे। उस पूरी प्रक्रिया में जनरली इनमें हम जीवाश्म का अभाव देखते हैं। इनमें परतों का भी प्रायः अभाव होता है। क्यों? जितने भी चट्टाने होती हैं उनका दोबारा से रिक्राइस्टलाइजेशन होता है। रिक्राइस्टलाइजेशन होता है तो उस पूरी प्रक्रिया में हमको इनमें परत नजर नहीं आते। क्लियर? ये प्रक्रिया है। अच्छा, एक काम करते हैं, 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का, और उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमने कुछ विशेषताएं देख ली, है ना, कि कैंथरी चट्टानों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं, उसको लेकर भी सवाल बन सकता है। यहां पर एक उदाहरण के रूप में है कि कैसे शेल जो है, शेल एक औषधि चट्टान है, ध्यान होगा आपको, शेल एक औषधि चट्टान है, है ना, ध्यान होगा, देखिएगा, चीका या गाद से बनता है, ध्यान होगा, देखिएगा, कराए थे कल। शेल को थोड़ा सा दाब झेलना पड़े, तापमान झेलना पड़े, यानी कि जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, यह औषधि चट्टान अत्यधिक दाब को झेलेगा, और हो सकता है कि दाब लगातार बढ़ रहा है, और साथ ही साथ हमको मालूम है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तापमान बढ़ता चला जाता है, तो शेल से क्या बनेगा, स्लेट। ये और थोड़ा सा जब ताप को झेलेगा, दाब को झेलेगा, तो सिस्ट में परिवर्तित होगा, और जरा झेलेगा तो निस्ट में परिवर्तित होगा। क्लियर? इसका मतलब है कि लगातार कायांतरण होगा, लगातार दाब, लगातार तापमान में परिवर्तन के कारण कायांतरण होता है। क्लियर है? एक उदाहरण के माध्यम से। यह है तरीका कायांतरण का, कि जैसे मान लीजिए कि यह है, ये कहने का मतलब है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी चट्टान के, देखिए वो कुछ इस तरह से अरेंज है, जब इन पे दाब लगाया जाए ऊपर से चाहे साइडवेज, तो ये रीअरेंज हो रहे हैं, अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं, जो इधर उधर फैले हुए हैं वो अपने आप को एक लाइन में अरेंज कर रहे हैं, प्रेशर के कारण थोड़ा और अरेंज कर रहे हैं और थोड़ा और अरेंज कर रहे हैं। तो वही है कि शेल जो है स्लेट बनता है, सिस्ट बनता है और निस बन जाता है। ये सब शेल जो है, यह शेल जो है वो एक चट्टान है, एक औषधि चट्टान का उदाहरण है। वो स्लेट जब दाब को झेलता है थोड़ा और झेलता है, तो सिस्ट थोड़ा और झेलता है, तो निस पे परिवर्तन उसका हो जाता है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको, ऐसे कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम कैंथरी चट्टानों का उदाहरण देखें, या उदाहरण देखिए हम लोगों ने, अगर हम इसके महत्व को समझना चाहें तो इसकी महत्ता क्या है। तो जैसे हम लोगों ने औषधि चट्टान, अग्नेय चट्टान की महत्ता को देखा, वैसे ही इसका औद्योगिक प्रयोग है। जैसे उदाहरण के लिए ग्रेफाइट जो है ये पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। इसका गलांक बिंदु अत्यधिक ज्यादा होता है, है ना, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए कारखानों में धातुओं को गलाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पात्र ग्रेफाइट के बने होते हैं, है ना, ग्रेफाइट के बनते हैं जिनमें धातुओं को गलाया जाता है। इमेजिन करिए कि लोहे को अगर गलाना है तो लोहा किसमें गलाया जाएगा, तो ग्रेफाइट का उसमें इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि इसका गलांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा होता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है, इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से ध्यान रखना है। यह है क्वार्ट्ज, ऐसे ही एक प्रकार का कैंथरी चट्टान का उदाहरण है, एक कठोर चट्टान है जिसका प्रयोग कांच बनाने के लिए किया जाता है, अलग अलग भारत के हिस्सों में पाया जाता है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। भवन निर्माण सामग्री हमने देखा शेल है, शेल से निस, सिस्ट ये सब बनते हैं। तो भवन निर्माण के लिए जो शेल है या स्लेट है या संगमरमर है, इन सब का इस्तेमाल होता है, और ये सब कैंथरी चट्टान के उदाहरण है। क्लियर है? ये ध्यान आपको रखना है। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में स्टेटाइट है ना, जो टेलकम पाउडर है, वो भी कायंत्रित प्रक्रिया, कायंत्रण की प्रक्रिया से बना हुआ है, तो उसका उपयोग है। अब्रक अग्नेय एवं कायंत्री चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है, ये भी एक कायंत्री चट्टान का उदाहरण है। गार्नेट एक मूल्यवान पत्थर है, ये इसको अपघर्षक या एब्रेसिव बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एब्रेसन मतलब किसी चीज को घिसने के लिए या किसी चीज को
स्मूथ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे इसके कुछ पहलू थे कायंत्रित चट्टानों के संदर्भ में। क्लियर है? ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपेक्षाकृत आसान रहेगा, या जो प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आएंगे उनको करना अपेक्षाकृत आसान रहेगा। ठीक है, ये कायंत्रित चट्टानों को लेकर हमारी एक समझदारी हो गई। एक दो सवाल है, उन दो सवालों को लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा जो मैंने कहा था आपको 8-10 सवाल आपसे पूछेंगे रॉक्स के संदर्भ में, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। नितिश का सवाल है, सर चूना पत्थर को औषधि चट्टानों के भौतिक, रासायनिक और जैविक वर्गीकरण अर्थात इन तीनों वर्गीकरण में क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है नितिश, क्योंकि जो अग्नेय चट्टाने हैं वो अग्नेय चट्टानों में हम ऐसा वर्गीकरण नहीं करते हैं कि ये भौतिक है, रासायनिक है या जैविक है, क्योंकि जैविक नाम का कोई चीज अग्नेय चट्टानों में नहीं मिलता है। जब हम देखते हैं कि कुछ जीव के भी अंश हमको नजर आ रहे हैं तो केवल हमको औषधि चट्टान में नजर आते हैं। हमको कुछ केमिकल रिएक्शन के माध्यम से कोई चीज का जब अपक्षय होता है ना, अपक्षय होगा पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा, तो रिएक्शन होता है। तो कोई भी चट्टान या कोई भी पदार्थ है उसमें जब हवा पानी के द्वारा रिएक्शन होता है तो उसका अपक्षय होता है, और अपक्षय होने के बाद जो मटेरियल निकलता है वही धीरे धीरे करके तह बाई तह जमता चला जाता है और वो एक चट्टान का रूप ले लेता है आने वाले समय में, जब गहराई तक पहुंच जाता है। तो हमको वैसा भी चट्टान इसमें नजर आता है, लेकिन अग्नेय चट्टानों में हमको केमिकल रिएक्शन से बने हुए चट्टान नजर नहीं आते हैं। तो इस संदर्भ में, और भौतिक तो है ही, दाब के कारण जो परिवर्तन हो रहा है ना, जैसे कि बलुआ मिट्टी है, शेल है, दाब के कारण ही परिवर्तन हो रहा है, नीचे जा रहे हैं, और तापमान में के बदलाव के कारण, दाब के कारण उनका वो बहुत ठोस हो गए, ठोस आकार में आ गए, तो चट्टान का रूप ले लिए। तो इस संदर्भ में औषधि चट्टानों में हमको इन तीनों के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन जब हम अग्नेय चट्टाने देखते हैं तो नहीं मिलता है, जब हम कायंत्रित चट्टाने देखते हैं तो नहीं मिलता है। क्लियर? इसलिए ये जो तीन डिवीजन है उस बाकी सब में नहीं है, बल्कि औषधि चट्टानों में हमको मिलता है। आतिश का सवाल है, सर कायंत्रित चट्टानों में जीवाश्म क्यों नहीं पाया जाता है? अत्यधिक दाब और अत्यधिक प्रेशर से ये बनते हैं, अत्यधिक दाब और अत्यधिक तापमान के कारण इसमें परिवर्तन होता है, और तापमान जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उस पूरी प्रक्रिया में जो भी जीव के अंश है वो जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमको इसमें इसका अवशेष नहीं मिलता, हमको उसके कुछ भी रेमिनेंट्स नहीं मिलते हैं। क्लियर है? चलिए, इतनी एक समझदारी बनी। कायंत्रित चट्टाने या जो चट्टानों का चक्र है वो यही है। अग्नेय चट्टाने हमारी प्राथमिक चट्टाने हैं, सबसे पहले जो चट्टाने हमारी बनी है दुनिया में, जो सबसे पहला चट्टान, पृथ्वी जब गर्म गोले की तरह थी, आग के गोले की तरह थी, आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले, लगातार ज्वालामुखी के विस्फोट के माध्यम से नीचे से मैग्मा उबल उबल के ऊपर जमा हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो ठंडा होता नीचे से मटीरियल आ जा रहा था। ये प्रक्रिया लगातार हजारों साल तक चलती रही, धीरे 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 करके जब ज्वालामुखी ठंडे हुए और जब मैग्मा का निकलना बंद हुआ तो ऊपर वाला लेयर धीरे धीरे करके सबसे पहले ठंडा हुआ और क्रस्ट का निर्माण हुआ, है ना। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे पहले चट्टान बनी, ये जो पहले प्राथमिक चट्टान बनी है वो अग्नेय उत्पत्ति से या अग्नि के उत्पत्ति से है, इसलिए हमने उसको अग्नेय चट्टाने कहा। बाद में हवा, पानी, हिमानी, समुद्र की लहरें, इनके द्वारा लगातार अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा इनका अपरदन किया गया, कुरेदा गया, फिर कहीं पर जाके इनको निक्षेप किया गया, निक्षेप में लगातार ये निक्षेपण उनके ऊपर बढ़ता रहा, तो ऊपर के बोझ से और नीचे जाते जाते तापमान में परिवर्तन से उनमें परिवर्तन हुआ, वो ठोस आकार लिए, इसको हमने औषधि चट्टान कहा। बाद में यही औषधि चट्टान जब बहुत नीचे चला गया तो हम देखते हैं कि वही सैंडस्टोन या वही शेल जो है वो हमको सिस्ट में या निस में बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, वही चट्टान अलग रूप ले लेता है। क्यों? वो अत्यधिक भार को झेलता है, अत्यधिक तापमान को झेलता है और उसका कायांतरण हो जाता है। यही कायंत्रित चट्टान जिसके तापमान का परिवर्तन हो गया है या बहुत नीचे चले गए हैं तो उनका कायंत्रण हो गया, वो बहुत ज्यादा बोझ को, भार को झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी दाब बढ़ता जाए, तापमान बढ़ता जाए तो ये कायंत्रित चट्टाने भी पिघल जाएंगी, नीचे पृथ्वी के सतह के नीचे वो पिघल जाएंगी, उबलने लगेंगी, और यही उबलता हुआ मटीरियल मैग्मा बन जाएगा, और यही मैग्मा धीरे धीरे करके ऊपर आएगा तो अग्नेय चट्टानों का निर्माण करेगा। इसी को रॉक साइकिल कहेंगे। अग्नेय चट्टानों से औषधि चट्टान, औषधि चट्टान से इन दोनों में परिवर्तन से कायंत्रित चट्टान, और कायंत्रित चट्टान जब अत्यधिक तापमान
और दाब को नहीं झेल पाएगी तो पिघल जाएगी, और पिघल जाएगी तो मैग्मा का निर्माण करेगी, और यही मैग्मा अगर ऊपर आके या पृथ्वी के नीचे या ऊपर आके जमा हो जाएगा तो इसी को हम अग्नेय चट्टान का नाम दे देंगे, और यही रॉक साइकिल है। ठीक है, एक और सवाल है ऋचा का। ऋचा का सवाल है कि सर मेटामॉर्फिक रॉक्स का या कायंत्रिक चट्टानों का लिथिफिकेशन क्यों नहीं होता है, है ना, उनमें परतें क्यों नहीं बनती हैं। देखिए, परत किसका बन रहा है, औसादी चट्टान का परत बन रहा है। क्यों बन रहा है? औसादी शुरू में क्या चट्टान थी? औसाद क्या वो एक चट्टान था या केवल गाद, बालू, मिट्टी, कंकड़, ये सब था? यही था, कंकड़ था, बालू था, गाद था, मिट्टी था, यही था। आज यही निक्षेप इसको कर दीजिए और उसके ऊपर लगातार निक्षेप होता रहे होता रहे होता रहे, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर से भार बढ़ता रहेगा और नीचे जो कंकड़ है या बालू है या दोमट मिट्टी है या चीका है, यही ऊपर के भार बोझ के कारण, भार के कारण ये धीरे धीरे ठोस आकार लेते जाएंगे। तो ठोस आकार लेते जाएंगे तो नीचे वाला जो है वो एक लेयर के रूप में चट्टान बन जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी चट्टान बन चुका है ना, ऐसे अलग अलग लेयर बन चुके हैं, अब उनको बोलें कि उनका कायंत्रण करो या कायंत्रित हो गए हैं, तो उनमें क्या अब लेयर्स पाए जाएंगे? वो तो एक साथ चारों तरफ से प्रेशर बढ़ेगा और वो एक चट्टान के रूप में हमको नजर आएंगे, है ना। उनके ऊपर वाले हिस्से में भी वो प्रेशर पड़ेगा, चाहे किनारे से प्रेशर पड़े या नीचे से तापमान बढ़े, तो उस पूरी प्रक्रिया में कायंत्रण या जो लिथिफिकेशन का प्रक्रिया है वो कि कैसे जो बालू, कंकड़, पत्थर एक चट्टान के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी चट्टान बन चुका है या बना हुआ है, अब हम उसमें केवल परिवर्तन कर रहे हैं घनत्व का, डेंसिटी का, और इसलिए कायंत्रित चट्टानों में हमको परत नजर नहीं आते, उनमें घनत्व का अंतर नजर आता है, लेकिन परत हमको नहीं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रेस कर दिया गया है तो सब एक में मिल गए हैं, हमको उसमें परत नजर नहीं आ रहा है। लेकिन औसादी चट्टाने जमा हुई, नीचे वाला हिस्सा ऊपर के बोझ के कारण ठोस हो गया तो एक लेयर के रूप में विकसित हो गया, लेकिन उसके ऊपर वाला अभी भी हो सकता है कि कंकड़, बालू और चीका या मिट्टी वाली स्थिति में हो, उसके ऊपर और बोझ बढ़ता जाएगा तो ये अलग समय में उसकी तुलना में बाद में एक लेयर के रूप में या चट्टान के रूप में विकसित होगा। लेकिन कायंत्रित चट्टानों में हमको ऐसा नजर नहीं आता कि अलग अलग समय में ऐसा लेयरिंग हो रहा है, एक साथ प्रेशर पड़ता है और सब में परिवर्तन हो जाता है, और इस संदर्भ में कायंत्रित चट्टानों में लेयर या लिथिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कुछ 10 सवाल। देखिए क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चंस के नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, 10 सवाल है। एक आध सवाल को मैं स्किप कर दूंगा, अभी एक दो चीजें और पढ़ा लूंगा भारत के संदर्भ में, तब वो क्वेश्चन दूंगा। टोटल 10 सवाल है, सामने नंबर लिखा हुआ है 9, 8, जो भी आप लोग उत्तर दे रहे हो 1, कोशिश करिए कि सवाल करने के बाद लगभग मैं एक आध मिनट का पॉज ले लूंगा और आप लोग उसमें अपना उत्तर रेस्पॉन्ड करते रहिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब मैं कहूं कि अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो पहला मत उसमें मिक्स करिएगा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें तो 2ABCD ऐसे करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, इस तरह से 10 मिनट का एक एक्सरसाइज करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टाने मौजूदा चट्टानों से बने हैं जो पुनः संरचना की प्रक्रिया से गुजरी हैं? इनमें से कौन सी चट्टाने हैं जो मौजूदा चट्टानों से बने हैं और उनको पुनः संरचना या रिक्रिस्टलाइजेशन या रवे उनके दोबारा से बने हैं, इनमें से कौन सा है? ए अग्नेय चट्टाने, दूसरा परतदार चट्टाने या औसादी चट्टाने या परतदार चट्टाने, तीसरा या सी कायंत्रित चट्टाने और डी इनमें से कोई नहीं। शिखा, अश्वनी, मनोज, अंकित, पायल, मंजीता, निधि, सरिका, कविता बिल्कुल ठीक है, रवि बिल्कुल ठीक है, अमन, गणेश, ममता, ऋचा, मोना, पायल बिल्कुल ठीक है, ऋतुपर्णा, राजन, प्रियंका, भीम बिल्कुल ठीक है, अलका बिल्कुल ठीक है, जॉन बिल्कुल ठीक है, वैभव, अनु,
बिल्कुल ठीक है, हर नाम बिल्कुल ठीक है। प्रज्ञा बिल्कुल ठीक है, नेहा बिल्कुल ठीक है, लिखिता ठीक है, दीपक हीरल बिल्कुल ठीक है, रूपल ठीक है, लीना ठीक है, प्रेम लता बिल्कुल ठीक है, रविंद्र ठीक है, विरमानी बिल्कुल ठीक है, निधि ठीक है। चलिए ठीक है, इसका मतलब है कि ये आसान सवाल था, है ना, ये आसान सवाल था, ये आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ गए। तो एक हम लोगों ने कर लिया, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब वन पे कोई कमेंट नहीं करेगा, अब सेकंड क्वेश्चन पे कमेंट करेंगे आप लोग सब। ठीक है ज्योति, ठीक है, अब इसको यहीं पर फ्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसको देखिए, ग्रेनाइट इसका एक उदाहरण है, ग्रेनाइट इसका एक उदाहरण है। अंतर्निर्मित अग्नेय चट्टाने, बाह अग्नेय चट्टाने, औसादी तथा परतजात चट्टाने, या डी कायंत्रित चट्टाने। टू करके अब आंसर देना है। सर्वजीत, नीतीश, अब आगे बढ़िए सेकंड क्वेश्चन पे, टू करके उत्तर देना है। ग्रेनाइट इसका एक उदाहरण है। अमर, आकांक्षा, आशीष, रवि, मानवेंद्र, पायल, शिप्रा, विरमानी, हीरल, अशोक, ऋतुपर्णा, दीपक, नितेश, सर्वजीत, मंजीता, ज्योति, कुछ नाम अगर छूट जा रहा है तो सॉरी, ममता, मनोज, हरनाम, रवि, रूपल, केके, अजीत। बहुत बढ़िया, ए आंसर दिया आप लोगों ने, मुझे लग रहा था कि शायद ठीक है। रिचा, नितेश, अनु ठीक है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ गलती ना करें आप लोग। खूब चर्चा किए थे ग्रेनाइट के संदर्भ में, अग्नि चट्टान का एक उदाहरण है, है ना। लिखिता, लिखिता नहीं, 2D नहीं होगा, दोबारा देखिए, है ना। ग्रेनाइट अग्नि चट्टान है या औसादी चट्टान है, देखिए। अश्विनी, भीम, ए ठीक है, अग्नि चट्टान है, एक बार जाके रिवाइज करिएगा जिन्होंने लिखिता, एक बार दोबारा देखिएगा। प्रज्ञा, एक बार दोबारा देखिएगा कि अग्नि चट्टान है या औसादी चट्टान है, कल की क्लास में कराए थे, ठीक है, मतलब थोड़ा रिवीजन करने की जरूरत है। अरविंद ठीक है, चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड पे कमेंट नहीं करेंगे, अब थर्ड पे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ, प्रतीक बिल्कुल ठीक है, अरविंद ठीक है, प्रेम लता बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, अब थर्ड पे कमेंट करिएगा आप लोग। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान दूसरों से अलग है। अब इसमें आपको बताना है कि कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो किसी एक, या तो औसादी है, या तो अग्नेय है, या कायंत्रित है, लेकिन उनमें से कोई एक है जो उन तीनों में से अलग है, कोई अलग चट्टान है वो। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान दूसरों से अलग है, संगमरमर, जिप्सम, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। जिप्सम, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, है ना। हम देख रहे हैं जो जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मनोज, शिखा, मंजीता, रवि, अंसार, अश्विनी, अमन, रूपल, अलका, ऋतुपर्णा, निधि, मोना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नीचे जिप्सम, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ये तीनों औषादी चट्टानों के उदाहरण हैं, और संगमरमर या मार्बल जो है वो कायंत्री चट्टान का एक उदाहरण है, क्लियर है। तो यहां पर जो ऑड मैन है, जो कि अलग है बाकियों से, वो है संगमरमर, ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मोहित, ऋचा, बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे मूव करते हैं चौथे सवाल की तरफ। अब सब फोर पे क्लिक करेंगे या फोर आंसर का उत्तर देंगे, ठीक है। लीना, खालिद, ठीक है, अब सब लोग रुक जाइए, अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। चौथा सवाल, चौथा सवाल है,
चौथा सवाल है, अपक्षय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अपक्षय के संदर्भ में, अब थ्री के बारे में छोड़ दीजिए, फोर के बारे में देखिए। अपक्षय में अपक्षय सामग्री का बड़े पैमाने पर परिवहन शामिल है। अपक्षय में अपक्षय सामग्री का बड़े पैमाने पर परिवहन शामिल है। अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है। दोनों कथन ठीक है, दोनों में से कोई एक कथन ठीक है। इसको लेकर तीन चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका उत्तर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। अपक्षय के संदर्भ में अपराजिता, अलका, सुनीत, नितिश, रवि, रितेश, राजन, आकांक्षा, अश्विनी, निर्मा, ज्योति, ममता, ऋचा, मनोज, आशीष, रूपल, आनंद, कविता, शिखा, वीरेंद्र, मनोज, मंजीता, हरनाम, ज्योति, यशराज, वैभव, अमर, प्रियंका, अंसार, मोना, नेहा, विरमानी, कौशिका, कौशिकी, के सर्वजीत। बिल्कुल ठीक आंसर है आप लोगों का, बिल्कुल ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर होगा। अपक्षय क्या है? अपक्षय स्थैतिक प्रक्रिया है। अगर हम इसको स्थैतिक मानते हैं तो ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक ही स्थान पे स्टैटिक है, मूवमेंट नहीं होगा। अपक्षय का मतलब क्या है? एक ही स्थान पर एक ही चीज को तोड़ के रख देना। उसमें जब हम मूवमेंट को ऐड कर देते हैं तो हम उसको अपरदन कहते हैं, ना कि अपक्षय कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट ठीक होगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, खालिद, प्रज्ञा, दीपक, प्रतीक, लीना, नितिश, बिल्कुल ठीक आप लोग कह रहे हैं। अब चौथे क्वेश्चन पे विराम लगाइए, अब फिफ्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पे नहीं करना है, अब फिफ्थ सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल कह रहा है, अग्नेय चट्टाने प्राथमिक चट्टाने होती हैं क्योंकि, अग्नेय चट्टाने प्राथमिक चट्टाने होती हैं क्योंकि वे मैग्मा के ठंडा होने और जमने के कारण बनते हैं। वे पृथ्वी की परत के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली पहली चट्टान थी। अन्य सभी चट्टाने बाद में अग्नेय चट्टानों से बनती हैं। और डी, दोनों बी और सी, क्लियर है। और यहां पर कोड दिया हुआ है, कुछ कोड का कॉम्बिनेशन है, उसको देख के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला विकेट गिरा है अमर का, शिप्रा का, आशीष का, सब डी आंसर दे रहे हैं, है ना, डी, सब डी कर रहे हैं, सब डी है। सॉरी, ये क्वेश्चन है, पांच का डी है ना, छह अभी नहीं, छह बाद में करेंगे। पांच का ए भी आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन देख लीजिए। सिक्स अभी हटा दीजिए, गलती से हो गया था, अभी पांचवा आ रहा है, पांचवे का उत्तर दीजिए। ये चार स्टेटमेंट है, इसमें से आपको आंसर देना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। अग्नेय चट्टानों को क्यों प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? कुछ ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं, है ना, कंफ्यूजन हो गया। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, ऐसे यूपीएससी करीबी स्टेटमेंट देगा, मुझे मालूम है, जानते हैं आप सब लोग हैं, आपको सब मालूम है, लेकिन गलती हो रही है थोड़ी बहुत। ए, डी, सी, ऐसे ही अब क्वेश्चन का टफनेस बढ़ने वाला है। अभी देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अब क्यों होगा उसको समझिए, तर्क हमेशा ध्यान रखना है, भावनाओं में नहीं बहना है कि हमको अग्नेय चट्टाने मालूम है। अब अगर हमको अग्नेय चट्टाने मालूम है तो हम तो कर ही देंगे। वे मैग्मा के ठंडा होने और जमने के कारण बनते हैं। कोई भी चीज ठंडा होकर जम के बन गया तो
इसलिए वो प्राथमिक चट्टान हो जाएगा क्योंकि ठंडा होकर जम गया है। कायंत्रित चट्टानें भी तो ठंडी होकर जम जाती हैं, तो क्या वो प्राथमिक चट्टान हो जाएगी? अत्यधिक तापमान, हीट और प्रेशर के कारण उसमें भी बदलाव होता है, तो क्या वो प्राथमिक चट्टान हो जाएगी? नहीं। वे पृथ्वी की परत के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली पहली चट्टान थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पहली चट्टान थी और बाद की सारी चट्टानें उससे बनी है, इसलिए हम उसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं, एक बात। दूसरा, अन्य सभी चट्टानें बाद में अग्नेय चट्टानों से बनी है, इसी बी को कंप्लीट करता है सी, कि वे पृथ्वी की परत के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली पहली चट्टान थी और अन्य सभी चट्टानें उसके बाद बनती हैं या उसके अग्नेय चट्टानों से ही बनी हुई है। तो बी और सी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ए, क्योंकि मैग्मा ठंडा हो गया है और ठंडा होके जम गया है, तो क्या यह तर्क है प्राथमिक चट्टानों का? कि यही तर्क है प्राथमिक चट्टानों के लिए सबसे पहले बनना और अन्य चट्टानों का उनसे दोबारा बनना, ये दो कंडीशन है जो इसको फुलफिल करता है। अब यहां पर इंटेलिजेंस समझिए या उस बात को समझिए कि यूपीएससी क्या करेगा। अब यहां पर सी स्टेटमेंट भी ठीक है, बी स्टेटमेंट भी ठीक है, इनमें से आप किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, सी भी ठीक है और बी भी ठीक है। और डी जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि बी और सी दोनों ठीक है, बी और सी दोनों ठीक है, तो बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी ज्यादा ठीक है, क्योंकि इन दोनों को इसने अपने अंदर समाहित किया हुआ है। तो कई बार गुड वर्सेस गुड का डिबेट होता है कि अच्छे में से सबसे अच्छा कौन सा चुने, और कई बार बैड वर्सेस बैड होता है कि बुरे में से कम बुरा कौन सा है उसको चुनना होता है। तो यहां पर ये जो सवाल है ये गुड वर्सेस गुड का डिबेट था कि बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन डी, इन बी और सी दोनों को ही अपने अंदर समाहित किया हुआ है, इस संदर्भ में डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? कई बार जानते हुए भी गलती होती है, तो कई बार आप वहां पर अपने आप को अप्लाई करिए, सोचिए कि इनमें से नियरेस्ट कौन सा होगा, सबसे करीब का कौन सा होगा। चलिए अगला है, अगला सवाल, छठवा सवाल देखिए। ये छठवा सवाल है, अब देखिए ध्यान से, अब इसको देखिए। छठवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टानों के बारे में सच है या सही कथन है? पहला स्टेटमेंट है, अग्नेय चट्टानों को बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, बनावट के आधार पर, है ना। अग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट और बेसाल्ट है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट और बेसाल्ट है। अग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने से होता है। अग्नेय चट्टानों का बनावट के आधार पे, क्राइस्टल्स के आधार पे, रवों के आधार पे क्या इनका वर्गीकरण किया जाता है? तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, छठवे का आप उत्तर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। मनोज, अमर, रविंद्र, शिखा, शाबिया, हिमांशु, दोबारा देखिए, यश, वीरेंद्र, रूपल, प्रियंका, सुनीत, ज्योति, मानवेंद्र, अशोक, अंकित, अंकित दोबारा देखिए, गणेश, मंजीता, दोबारा देखिए मंजीता, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, अश्विनी, के दोबारा देखिए एक बार, एकदम ध्यान से बारीकी से स्टेटमेंट को पढ़िए, क्वेश्चन का टफनेस बढ़ रहा है तो थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। अंसार, मोना ठीक है, आनंद दोबारा देखिए, नहीं आनंद ठीक है, मोहित दोबारा देखिए, जो जो सी लिख रहे हैं, जिन्होंने भी सी लिखा है उसको दोबारा देखिए, एक बार दोबारा पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, जो ए लिख रहे हैं वो भी दोबारा देखें, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट। रितेश, कुश, रितेश, सर्वजीत, पायल, खालिद, अलका दोबारा देखिए, प्रज्ञा ठीक है, नितिश दोबारा देखें, आयुष दोबारा देखिए। चलिए कुल मिला के मुझे समझ में आया कि थोड़ा टफनेस बढ़ा है तो आप लोग बारीकी से नहीं पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट, जिसके कारण गलती हो रहा है। अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अरे ये छोटा सा सिली मिस्टेक था। अग्नेय चट्टानों को बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, आंतरिक अग्नेय चट्टाने और बाह अग्नेय चट्टाने। बनावट, टेक्सचर
क्राइस्टल्स, रवा है ना, उनमें परिवर्तन, नीचे रवेदार होते हैं और अग्नेय चट्टाने ऊपर आ जाते हैं तो उनमें रवे नहीं होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, कोई डाउट नहीं अब इसमें। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण है ग्रेनाइट, हाँ उदाहरण तो है ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, अरे ये कहां से आ गया, क्वार्ट्ज क्या अग्नेय चट्टान है, कहीं पर भी मैंने कल एग्जांपल आपको दिया है, अभी क्वार्ट्ज के बारे में बताया था कि कायंत्रित चट्टाने हैं, तो यहां पर क्वार्ट्ज लिख दिया है, बेसाल्ट हाँ ये भी है, ग्रेनाइट भी है लेकिन क्वार्ट्ज नहीं है, कायंत्रण हुआ इसका तो ये तो नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, अग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने से होता है ना, या तो जल्दी ठंडा हो जाए या धीमे धीमे करके ठंडा हो, लेकिन ठंडा होने की प्रक्रिया से ही इसका निर्माण होगा। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी ठीक हो गया और तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा, बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी सी कहा, जिन्होंने भी डी कहा, जिन्होंने भी ए कहा, वो गलत स्टेटमेंट है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? दूसरे के गलत होने का मूल कारण एक इसके बीच में क्वार्ट्ज का डाल दिया जाना है, इसलिए मैंने कहा था कि उदाहरण को ध्यान से करिएगा, एग्जामिनर वहां पर कुछ फैक्ट के माध्यम से कुछ स्टेटमेंट आपके सामने देगा और आपको उसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा कि ये औषधि चट्टान है, ये अग्नेय चट्टान है, ये कायंत्रित चट्टान है, नहीं भी तो 10 बार नाम लिए होंगे सबका, है ना। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा मेमोरी। अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे ट्रिक यूपीएससी यूज करता है सवाल टफ बनाने के लिए। चलिए मूव करते हैं आगे। 7वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जैविक औषधि चट्टाने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, चौक लिखा हुआ है ना, निम्नलिखित में से कौन से जैविक औषधि चट्टान है, यहां पर तीन है, ये शाल नहीं है, शैल है ना, शैल पत्थर। निम्नलिखित में से कौन से जैविक औषधि चट्टान है, चौक, चूना पत्थर और शैल, ये तीन चीजें हैं। चौक के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन चौक कैसे बनता है, चौक कैल्शियम से बनता है, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन चीजें हैं, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। आशीष दोबारा देखें, आतिश ठीक है, मनोज दोबारा देखिए, मनोज ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, ये पूछ रहा है औषधि चट्टानों में भी जैविक औषधि चट्टान, ठीक है। जॉन, शिप्रा, सरिका, हिमांशु, यश, शाबिया, लीना, ज्योति, सर्वजीत दोबारा देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, बी इज द राइट आंसर। चौक कैल्शियम से बना हुआ है, चूना पत्थर कैल्शियम से बना हुआ है और ये दोनों ही जैविक के उदाहरण है। शैल जो पत्थर है वो हम लोगों ने देखा था, वो गाद या एक औषधि चट्टान ही है, लेकिन फिजिकल तरीके से भौतिक औषधि चट्टान का उदाहरण है, ना कि आपको जैविक औषधि चट्टान का उदाहरण है। मैंने ये भी कल की क्लास में विस्तार से आपको समझाया था। तो यहां पर 20 का राइट आंसर होगा। 8वां सवाल देखिए, ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़िए, ये कायंत्रित चट्टानों के बारे में इसका डिस्कशन किया गया है, है ना, और इसका राइट ऑप्शन आपको देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, ये वाला सवाल छोड़ दीजिए, ये वाला स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, ये वाला सवाल देखिए, लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, अग्नेय चट्टानों के संदर्भ में कुछ कथन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, दो तीन स्टेटमेंट्स हैं और इसको देख के बताइए। दो स्टेटमेंट्स हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जहां बहिर्वेधी अग्नेय चट्टानों के रवे बड़े होते हैं, वहीं अंतर्वेधी अग्नेय चट्टानों के रवों की संरचना महीन होती है, यह पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, क्षारीय अग्नेय चट्टानों की तुलना में अम्लीय अग्नेय चट्टानों में कम सघन और रंग में हल्की होती है। क्षारीय अग्नेय चट्टानों की तुलना में अम्लीय एसिडिक
ये और ये बेसिक अम्लीय या एसिडिक अग्नेय चट्टानें कम सघन और रंग में हल्की होती हैं। कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा बताइए। टेंथ का हरनाम, रूपल, रविंद्र, शिखा, मनोज, आनंद, ऋतु, सर्वजीत, रवि, यश, ज्योति, आतिश, गणेश, अशोक। बिल्कुल ठीक है आपका, आप लोग जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। इसका बी आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। बहिर्वेधी अग्नेय चट्टानों के रवे छोटे होते हैं, जो बाहर बाह अग्नेय चट्टानें होते हैं उनके रवे का साइज छोटा होता है क्योंकि जल्दी ठंडे हो जाते हैं। वहीं अंतर्वेधी अग्नेय चट्टानों के रवे की संरचना महीन होती है, महीन नहीं होती है, इनके रवे अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। तो ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्षरीय अग्नेय चट्टानें मतलब बेसिक रॉक्स जिसमें आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा होगा, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है अम्लीय चट्टानों में, और ये हल्के रंग के होते हैं, अपेक्षाकृत पीले रंग के होते हैं। तो स्टेटमेंट कह रहा है क्षरीय अग्नेय चट्टानों की तुलना में अम्लीय अग्नेय चट्टानों चट्टानें कम सघन और रंग में हल्की होती हैं। बिल्कुल होती हैं, अम्लीय चट्टानों का घनत्व भी कम होता है, उनका रंग भी अपेक्षाकृत हल्का होता है। तो यहां दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। ये कुछ सैंपल सवाल थे आपके सामने कि ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। लास्ट के 3-4 सवाल अपेक्षाकृत टफनेस के लेवल पे ज्यादा थे, ऊपर वाले कुछ बेसिक सवाल थे। क्लियर है। अलग अलग प्रकार के सवाल मैंने जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता था वैसा ऑप्शन देने का प्रयास किया। कुछ फैक्ट बेस्ड और कुछ चीजें कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके साथ मैंने क्वेश्चन किए ताकि आप चीजों को समझ पाए। और ओवरऑल जो मेरा क्वेश्चन पूछ के आप लोगों का जो रेस्पॉन्स आया उससे समझदारी बनी कि इस टॉपिक पे एक बार पढ़ने के बाद अगर आप इन सवालों का उत्तर दे सकते हैं तो विश्वास करिए सेकेंड और थर्ड रिवीजन के बाद इस टॉपिक से कोई गलती नहीं होगी। क्वेश्चन आते ही आपको लगेगा कि वाह, रॉक से सवाल आया है, चट्टानों से सवाल आया है, ये तो मेरा फेवरेट एरिया है। कुछ ऐसी स्थिति एग्जामिनेशन में आपकी होगी अगर फर्स्ट टाइम आप लगभग सभी लोगों ने क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है। एकाध जो गलती आपने की है वो आपने की नहीं है, मैं गुरु भी तो हूं तो थोड़ी बहुत गलती तो आपसे करवा ही सकता हूं, मुझे मालूम है कि कहां ट्रिक लगाया जा सकता है। तो वो जो गलती मैंने आपसे कराई थी 3-4 स्टेटमेंट देके नियरेस्ट वाला, वो इसलिए था कि ताकि आप लोग इस बात को समझे कि नियरेस्ट पॉसिबल कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो वहां पर सब सही आपको लग रहे होंगे, उसमें हमको नियरेस्ट देखना होगा कि सबसे सटीक कौन सा है। क्लियर है। तो चलिए 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आज की क्लास में जो जैसा मैंने आपको कहा था कि ग्लेशियर्स के द्वारा या हिमानी के द्वारा किन किन प्रकार की स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं उनको देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। इस टॉपिक से भी जनरली प्रिलिम्स वाले ही सवाल बनते हैं, है ना, मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल नहीं बनते हैं। बस इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कई बार अलग अलग जगह पे जलवायु परिवर्तन के कॉन्टेक्स्ट में होता है, तो वहां पर इनडायरेक्टली आप उत्तर बेहतर लिख सकते हैं। लेकिन अभी तक यूपीएससी ने ये नहीं कह रहा कि हिमानी के द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृतियों को विस्तार से समझाइए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे। तो प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस रखिएगा, और प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो कुछ नाम अगर नहीं मालूम होंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तो क्वेश्चन को हिलाना मुश्किल होगा। तो उस संदर्भ में ये वाला टॉपिक भी महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऋचा का एक सवाल है, सर मेटामॉर्फिक रॉक्स में, अच्छा ये तो हो गया। हरनाम का एक सवाल है, हरनाम ने पूछा है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए अग्नेय चट्टाने और कायंत्रित चट्टानों के बीच में जो मूल अंतर है वो ये है कि अग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वो मैग्मा के धीरे 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 ठंडे होने की प्रक्रिया से होता है। क्लियर है। चाहे वो सतह के ऊपर आके जम जाए, चाहे सतह के नीचे आके वो जम जाए, लेकिन एक गर्म धधकते हुए लावा या मैग्मा के ठंडा होने की प्रक्रिया से अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। लेकिन कायंत्रित चट्टानों का निर्माण इस प्रक्रिया से नहीं होता है। कायंत्रित चट्टानों का निर्माण ऑलरेडी जो चट्टानें बन गई हैं, जो सैंडस्टोन बन गया है ना, या जो अग्नेय चट्टानें बन गई हैं उन्हीं को अपेक्षाकृत और भी ज्यादा दबाने से, उनको स्क्वीज करने से, है ना, उनमें खूब ज्यादा दबाव डालने से, उनके तापमान में परिवर्तन करने से एक विभिन्न प्रकार की चट्टान का निर्माण हो जाता है।
तो इस संदर्भ में ये अग्नेय चट्टानों की तुलना में भिन्न हो गई प्रक्रिया के माध्यम से। दूसरा, जो कैंथरिक चट्टाने हैं या मेटामॉर्फिक चट्टाने, आपने लिखा हर नाम, तो रूपांतरित या कैंथरित या मेटामॉर्फिक जो चट्टाने हैं वो अवसादी चट्टानों का भी कायंत्रण हो सकता है और अग्नेय चट्टानों का भी कायंत्रण हो सकता है। लेकिन अग्नेय चट्टानों में केवल मैग्मा का ठंडा सॉलिडिफिकेशन, ठंडा होना और सॉलिडिफिकेशन होना, उस प्रक्रिया से बनते हैं। सिलिका की मात्रा ज्यादा हो सकती है, सिलिका की मात्रा कम हो सकती है। क्लियर है? सरिका का सवाल है, सर इंडिया में निम्न स्तर का कोयला पाया जाता है किंतु ऑस्ट्रेलिया में अच्छे किस्म का कोयला पाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, पाया जाता है, कोकिंग कोल कहते हैं उसको, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कोकिंग कोल कहते हैं, और भारत बहुत ज्यादा आयात भी करता है। कोयले में इतना अंतर क्यों होता है जबकि कोयला पृथ्वी के नीचे ही बनता है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तर अगर मैं कभी और दूं विस्तार से तो उसको थोड़ा मुझे इसका स्कोप दीजिएगा। कोयले के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। लकड़ी से कोयला बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन अचानक से लकड़ी कोयला बन जाए और उन्नत वेराइटी का कोयला बन जाए, ये नहीं संभव होता है। लकड़ी या वुड है ना, लकड़ी, उसका अगला जो, जब उसको खूब दबाया जाता है, तापमान और प्रेशर में बदला जाता है, तो ये लकड़ी पीट में बदल जाती है, तो ये लकड़ी पीट में बदल जाती है। और जब इस पीट को और भी ज्यादा तापमान पे, प्रेशर पे जब इसको प्रेस किया जाए, तो ये पीट जो है वो लिग्नाइट में बदल जाता है। और इसी लिग्नाइट को खूब दबाया जाए और थोड़ा सा टेम्परेचर भी इसको दिया जाए, तो ये बिटुमिनस में बदल जाता है। और यही बिटुमिनस को और ज्यादा दबाया जाए और दाब जब ये झेलता है और खूब समय तक लगातार झेलता रहता है, तो ये एंथ्रासाइट में बदल जाता है। तो जो सबसे पुराना कोयला होता है इन चारों में, वो होता है एंथ्रासाइट। और जो सबसे ज्यादा दाब झेलता है, सबसे नीचे मिलता है, वो होता है एंथ्रासाइट। सबसे उन्नत वेराइटी का कोयला दुनिया में सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि बनने के लिए समय सबसे ज्यादा चाहिए, है ना। उससे एंथ्रासाइट से थोड़ा सा हल्का क्वालिटी बिटुमिनस का है, लेकिन बिटुमिनस में भी एक उन्नत वेराइटी होता है, बिटुमिनस कोल, जैसे आपने पूछा है। तो बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसकी चर्चा भारत की क्लास में करूंगा। जो कोयला होता है, जो कोल है, ये मत समझिएगा कि कोयले का उदाहरण दिया तो सर ने कोयले की चर्चा नहीं की। ढाई तीन घंटे तक कोयला कोयला ही करेंगे हम लोग। जितने भी भारत में कोयले मिल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग वेराइटी के, उसके साथ साथ जो नीतिगत स्तर पर प्रयास चल रहा है, सरकार के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कोल को लेके, है ना, उसको देखेंगे। कैप्टिव माइनिंग का कॉन्सेप्ट है, अब तो सरकार कह रही है कि कोल इंडिया के अलावा बाकी लोग भी कोल को बेच सकते हैं, तो उसका एक प्रावधान है। अब तो निजीकरण की तरफ मामला है, तो उन सब चीजों को भी देखेंगे कि कोल को लेकर सरकार की नीतियां क्या है। एक समग्र रूप से भारत के क्लास में इसको देखेंगे। कोयला चार प्रकार का होता है। सबसे जो इंफीरियर क्वालिटी होता है उसको कहते हैं पीट, दूसरा है लिग्नाइट, इसको हिंदी में ऐसे ही कहते हैं, है ना, लिग्नाइट, बिटुमिनस, इसको भी ऐसे ही हिंदी में बिटुमिनस कहते हैं, और चौथा है एंथ्रासाइट। ये चार वैरायटी के कोयले होते हैं, और प्रक्रिया क्या है, सेम, वुड या लकड़ी। लकड़ी जब पृथ्वी के नीचे, सतह के नीचे जो है वो दब जाती है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में लगातार वो गर्म, और लगातार जैसे जैसे ऊपर जो भी औसाद का निक्षेपण होता जाता है, लकड़ी नीचे चलती चली जाती है। जैसे जैसे नीचे जाती है, तापमान बढ़ता चला जाता है, दाब बढ़ता चला जाता है, हजारों सालों, लाखों सालों में धीरे 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 करके वो लकड़ी पीट बन जाता है। कार्बन 40% इसमें कार्बन रहता है, और धीरे धीरे करके वो जलता रहता है, जलता रहता है, या दाब को महसूस करता रहता है, तापमान को महसूस करता रहता है, तो लिग्नाइट बन जाता है। 40-60% कार्बन, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना अच्छा उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा, या उतना अच्छा जलेगा, वो खूब हीट देगा। तीसरा होता है बिटुमिनस, लगभग 60 से
70 या 80% तक इसमें कार्बन का कंटेंट होता है, और एंथ्रासाइट कोयला वो होता है जिसमें 90% से ज्यादा ज्यादा कार्बन पाया जाता है, यानी कि प्योर कार्बन की तरफ बढ़ रहा है, चमकता है सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट कोयला। अगर चमक रहा है, खूब शाइन कर रहा है कोयले में, तो समझिए कि वो एंथ्रासाइट कोयला है, बिल्कुल हल्का होता है, कार्बन हो जाता है। ये सब भारी होते हैं, ये बिल्कुल हल्का हो जाता है, लेकिन जलता रात भर है, जला के छोड़ दीजिए रात भर जलता रहेगा, और इन सबको जलाइएगा 2-4 घंटे में बुझ जाएंगे। क्लियर है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो हमको निक्षेप मिलता है वो इस बिटुमिनस कोल के का ही वेराइटी मिलता है। बिटुमिनस का जो उन्नत वेराइटी है उसको उन्नत मतलब बिटुमिनस में जो हाई क्वालिटी का है उसको कहते हैं कोकिंग कोल। कोकिंग कोल बिटुमिनस में भी सबसे ऊंचा वाला हाई 80% की तरफ, जिसका 70 से 80% की तरफ जिसके अंदर कार्बन कंटेंट है, ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। और भारत में ये जो बिटुमिनस का इंफीरियर क्वालिटी है ये पाया जाता है। मुख्यतः लिग्नाइट भी मिलता है जम्मू कश्मीर में, थोड़ा सा एंथ्रासाइट भी मिलता है, लेकिन भारत में मुख्यतः जो कोयला पाया जाता है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में जो सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस का इंफीरियर क्वालिटी है। इंफीरियर क्वालिटी का मतलब राख ज्यादा पैदा करता है और हीट कम देता है। राख ज्यादा होगा, हीट कम होगा, तो स्टील इंडस्ट्री में, आयरन स्टील इंडस्ट्री में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आयरन स्टील इंडस्ट्री को गर्म करने के लिए लगातार कोयला डालना पड़ेगा, और कोयला डालेंगे तो राख भी निकालना पड़ेगा, और अगर राख ज्यादा होगा तो केवल राख ही निकालते रह जाएंगे, और बार बार वो जो आयरन को गर्म करने की प्रक्रिया है वो बार बार धीमी हो जाएगी, जल्दी जल जाएगा, राख होगा, निकालेंगे, साफ करेंगे, फिर कोयला डालेंगे, उस पूरी प्रक्रिया में जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, कॉस्टली माप हो जाएगा। और आयरन स्टील इंडस्ट्री इसलिए भी इस इंफीरियर बिटुमिनस क्वालिटी के कोल का इस्तेमाल कम करती है, हाई क्वालिटी के कोल का या कुकिंग कोल का इस्तेमाल करती है, जो कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से भारत आज के समय में बहुत ज्यादा आयात कर रहा है। अब आपका सवाल क्या है? आपका सवाल यह है, इतना अंतर क्यों होता है? इंडिया में निम्न स्तर का कोयला पाया जाता है किंतु ऑस्ट्रेलिया में अच्छे किस्म का कोयला पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है ये मैंने आपको बताया। इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया में जो कोयला पाया जाता है वो अपेक्षाकृत भारत से ज्यादा पहले से बन रहा है। प्रकृति में सबसे पहले उथल पुथल उस क्षेत्र में हुआ होगा, सबसे पहले उसके आसपास के पेड़ पौधे नष्ट हुए होंगे, और उस पूरी प्रक्रिया में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी, है ना? क्लियर हुआ? और भारत में बाद में, बाकी ये जो मैं अभी पॉइंट बता रहा था इसको समझाने के लिए थोड़ा विस्तार देना पड़ेगा। भारत में अलग अलग समय पे जो भी हलचलें हुई हैं उसको लेके आपको बताना पड़ेगा। इसकी चर्चा आगे भारतीय क्लास में विस्तार से करेंगे। यहां पर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये 4 नाम याद रखिए। बिटुमिनस का अच्छा वेराइटी कोकिंग कोल ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, भारत में ना के बराबर मिलता है, इसलिए भारत का कोयला अपेक्षाकृत उतना उन्नत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का, इंडोनेशिया का कोयला अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा है, इसलिए हम वहां से आयात करते हैं। ऐसा नहीं कि भारत के पास कोयले की कमी है, 200 सालों तक भी कोयला जलाएंगे तो भारत का कोयला खत्म नहीं होने वाला है, इतना कोयला है हमारे पास, लेकिन अच्छी क्वालिटी का अपेक्षाकृत कम है। चलिए शुरू करते हैं। आज हमको ये टॉपिक कोशिश करना है कि कंप्लीट कर लेना है। हिमानी, एकदम ध्यान से फोकस होकर सुनेंगे, और लाइव चैट का इस्तेमाल अब अभी नहीं करेंगे। अभी बिल्कुल समझ लीजिए कि एक फोकस्ड क्लास है, 1 घंटे का एकदम फुल कंसंट्रेशन रखना है, नहीं तो गड़बड़ होगा। और मुझे मालूम है कि इस टॉपिक को अगर आज समझ लिए तो समझ लिए, नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत होगा आगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। फोकस रहिएगा, एकदम अलर्ट रहिएगा, किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ग्लेशियर्स, हम पृथ्वी के उस हिस्से, उस इलाके की बात अभी कर रहे हैं जो कि लगभग साल भर बर्फ से ढका रहता है। क्लियर है? हम पृथ्वी के उस हिस्से, उस इलाके की चर्चा कर रहे हैं जहां पर लगभग साल भर बर्फ से जमा रहता है वो। तो दुनिया का वो कौन सा क्षेत्र हो सकता है जहां पर लगभग साल भर बर्फ जमा रहता है? कैंथ्रित रॉक का, कैंथ्रित रॉक का चार्ट समझा दीजिए। तापमान और प्रेशर के साथ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, नीचे जाते जाएंगे, तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और जो है वो धीरे धीरे करके वो अलग अलग चट्टानों में परिवर्तित होती चली जाएगी, है ना? निस्सिस तक की यात्रा होगी, बस यही है उसने, और तो कुछ नहीं है आंसर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें
हम पृथ्वी के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो लगभग साल भर बर्फ से जमा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम एक ग्लोब बनाने की बात करें तो ग्लोब में एक जो अक्षांशी रेखा है 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण, है ना, इसके नीचे और इसके ऊपर, ये इलाका ऐसा इलाका है जो अपेक्षाकृत काफी ठंडे इलाके हैं। साल का एक बड़ा हिस्सा ये बर्फ से जमा रहता है और ये जो ध्रुवी इलाके हैं ये लगभग साल भर बर्फ से जमे रहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ध्रुवी इलाके हैं या 66.5 डिग्री के उत्तर में ये जो इलाके हैं, अगर यहां पर बर्फ जमा रहता है तो क्या बर्फ स्थलाकृतियों के निर्माण में एक भूमिका निभाता है इन क्षेत्रों में, एक बात। दूसरा, अगर हम भारत को देखें, है ना, अगर हम इसको 23.5 डिग्री की एक रेखा बनाएं तो भारत के लगभग गुजरात से होते हुए छत्तीसगढ़ से होते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है 23.5 डिग्री की रेखा। तो 23.5 डिग्री का मतलब है गर्म जगह, लेकिन इस गर्म जगह पे भी हिमालय जैसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं और हमको मालूम है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है और तापमान कम होने की दर क्या है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या प्रति 1000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर ऊपर चले जाए और नीचे अगर तापमान मान लीजिए कि 40 डिग्री सेल्सियस है और अगर हम 6 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, वहीं से ऊपर बढ़ते चले जाएं, तो 6 6 36 और उसमें 3 डिग्री और, यानी कि अगर नीचे उसी अक्षांशीय रेखा पे अगर 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो 6 किलोमीटर ऊपर जाने पे वहां 39 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम कर दीजिए, 1 डिग्री तापमान होगा उसी पे, यानी कि एक ही अक्षांश पे जैसे जैसे अगर हम ऊपर उठते हैं ऊंचाई पे बढ़ते चले जाते हैं तापमान में कमी आती चली जाती है। तो भारत में अगर हम हिमालय पर्वत को देखते हैं तो हिमालय में मैंने आपको चर्चा किया था, जब पर्वतों के बारे में चर्चा कर रहा था तो मैंने बताया था कि टॉप 5 6 8000 प्लस जो पीक्स हैं वो सब हिमालय में ही हैं, दिखाया भी था समझाया भी था वो। तो सोचिए कि हिमालय का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है या वृहद हिमालय है, इनर हिमालय है, वो लगभग साल भर बर्फ से जमा रहता है। थाउजेंड्स ऑफ ग्लेशियर्स, बड़े बड़े ग्लेशियर या बर्फ के समूह जो है वो इन हिमालय की ऊंची चोटियों पे लगातार बने हुए हैं और वही थोड़े थोड़े पिघलते रहते हैं तो नदियों के रूप में या नदियों के स्रोत के रूप में हमको नजर आते हैं, चाहे वो सतलज नदी हो, चाहे वो झेलम हो, चाहे सिंधु हो, चाहे चेनाब हो, चाहे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है, ग्लेशियर के पिघलने से धीरे धीरे करके जो स्ट्रीम्स बना है वही हमको आज एक नदी के रूप में नजर आता है। तो इसका मतलब है कि ये ग्लेशियर पिघल के पानी भी बनते हैं। तो ग्लेशियर जब चलते होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करते होंगे, चाहे वो भारत जैसे इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो, चाहे ऊपर आपको बर्फीले क्षेत्र में हो या ध्रुवीय क्षेत्रों में हो, डेफिनेटली इन क्षेत्रों में स्थलाकृतियों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं और किन किन प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, यह हमारा विषय वस्तु है अभी का, या अगले 1.5 घंटे यही हमारा फोकस है कि कुछ नाम याद रहने चाहिए। क्यों मैं बार बार आपको इस बात की तरजीह दे रहा हूं, क्योंकि चमोली में जो ग्लेशियल आउटब्रस्ट हुआ है, ये जो ग्लेशियल फटा है या एक झील टूटी है फटी है, उस पूरे प्रक्रिया में ग्लेशियर फोकस में आ गए हैं, है ना, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लेशियर्स फोकस में आ गए हैं और झील का निर्माण एक प्रकार की स्थलाकृति है, एक प्रकार झील बनना पहाड़ी क्षेत्रों में ग्लेशियर के पिघलने के द्वारा ही झील का निर्माण होता है। तो एक झील न्यूज में आ गया, तो केवल झील ही क्यों, जो इस साल पेपर सेट कर रहे होंगे उनको लगेगा कि क्यों ना ग्लेशियर के संदर्भ में एक गंभीर चर्चा करा ले या कुछ क्वेश्चंस पूछ ले, तो उस संदर्भ में ये टॉपिक इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। बात एक ही एक सवाल की हो, 2 नंबर का हो, लेकिन कट ऑफ तो डिसाइड करेगा ना। तो टॉपिक आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये लगातार ये क्षेत्र या ग्लेशियर्स न्यूज में रहा है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी की समझदारी हमारी ग्लेशियर्स को लेके होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमको देखना क्या है, ग्लेशियर्स या उसको हिंदी में हिमनद भी कहते हैं, हिमनद के प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार का हिमनद होता है, तो देखेंगे कि हिमनद का प्रकार क्या है,
बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए। दूसरा है हिमरेखा क्या होती है, स्नो लाइन, उसको देखेंगे। तीसरा है कि ये जो हिमनद है या जो ग्लेशियर है, जब ये चलते होंगे, जब यात्रा करते होंगे, धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते तो जरूर होंगे, तो चलते होंगे तो ये क्या क्या अपरदनात्मक कार्य करते होंगे उसको देखेंगे। हिमनद द्वारा निर्मित जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, किस तरह से अपरदन करते हैं उसको देखेंगे, और कौन कौन से अपरदनात्मक इनके कार्य हैं या उसके द्वारा उन्होंने कौन कौन सी स्थलाकृति का निर्माण किया है। नुनातक है, टान है, क्रेट है ना, हॉर्न है, बहुत सारे ऐसे नाम है जो आपको शब्दावली आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये देखेंगे हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। और अगर ग्लेशियर पिघल गया, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के द्वारा, क्लाइमेट चेंज के द्वारा लगातार ग्लेशियर्स का साइज छोटा होता जा रहा है, श्रिंक कर रहे हैं, पीछे खिसक रहे हैं। 1980s के बाद हिमालय में जो ग्लेशियर्स का रिसर्च शुरू हुआ है वो ये बताता है कि पिछले 20 सालों में 2001 के बाद, मान लीजिए कि हम गंगा नदी की बात करते हैं और गंगा नदी की बात करते हैं और गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास रिसीड कर चुका है, पीछे जा चुका है, खसक रहा है, पीछे जा रहा है। इसका मतलब है कि जो पानी का स्रोत है ग्लेशियर्स, वो अगर पिघल जाएंगे, वो नहीं रहेंगे, तो आने वाले समय में पानी एक बड़ा संकट है। वाटर इज ए मेजर इशू। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 7-8 सालों में यूपीएससी के द्वारा पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर लगातार सवाल पूछा जा रहा है, वाटर क्राइसिस के ऊपर, वाटर के इश्यूज के ऊपर, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि आने वाले समय में ब्यूरोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण फोकस होने जा रहा है वाटर मैनेजमेंट, वाटर एफिशिएंसी। ठीक है, तो इस संदर्भ में यह देखना पड़ेगा कि हिमनद के द्वारा निर्मित, जब हिमनद पिघल जाते हैं तो अपने साथ जो भी मटेरियल लेके चल रहे हैं उन सब का निक्षेपण कर देते हैं, तो कौन कौन सी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण इनके द्वारा होगा, एक उसकी समझदारी हमको बनानी है। क्लियर है, इसकी हमको बनानी है। क्लियर है, ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे जो है ठोस ग्लेशियर्स का निर्माण होता है। मान लीजिए कि ठंडे इलाकों में जो भी ऊंचाई पे 5,000 मीटर 6,000 मीटर की ऊंचाई पे जो भी बारिश हो रही होगी वो पानी की बूंद में तो होगी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में है, तो पानी की बूंद जब तक नीचे आएगी तब तक बर्फ के रूप में तब्दील हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, स्नोफॉल होता है। अगर आप स्नो को उठाएंगे तो बहुत ही एक क्या कहेंगे, कॉटन की तरह, कपास जो होता है या रुई की तरह जो होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, लेकिन जब उनके ऊपर तह के ऊपर तह जमते चले जाते हैं तो नीचे वाला चीज कठोर होता चला जाता है, और उस पूरी प्रक्रिया में धीरे 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 करके वो कंप्रेशन होता रहता है और ग्लेशियल आइस का निर्माण होता है। एक ठोस मजबूत ग्लेशियल्स के निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, इस तरह से ये चीजें चलती हैं। अब यहां पर एक एक करके देख लेते हैं हिमनद का प्रकार क्या है और बाकी जो पहलू है उसको समझते हैं। देखिए, दो प्रकार के ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हम उसको कैटेगराइज करना चाहें तो 3-4 प्रकार की कैटेगरी बना सकते हैं। दो प्रकार के ग्लेशियर्स होते हैं, इन दो प्रकार के ग्लेशियर्स को अगर हम विभाजित करना चाहें तो अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। कौन से दो प्रकार है, एक मोटा मोटा, एक इन जगहों पे जो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स, साल भर बने रहते हैं, साल भर लगातार यहां पर ठंडक बनी रहती है, तो एक ये ग्लेशियर्स होते हैं। इसको हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स भी कहते हैं, कॉन्टिनेंटल है ना, महाद्वीपीय ग्लेशियर के नाम से भी इनको बुलाया जाता है, जैसे आर्कटिक, जैसे कि अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ग्रीनलैंड है ना, जमीन के ऊपर है, लेकिन आर्कटिक को जब हम कहेंगे तो आर्कटिक कोई जमीन नहीं है, आर्कटिक एक केवल सागर है, वो सागर का पानी ही, यानी कि यहां पर ऊपर इस 90 डिग्री पे यहां पर एक आर्कटिक सागर है, आर्कटिक ओशियन है, यहां कोई जमीन नहीं है, छोटे छोटे जमीन मतलब आइलैंड द्वीप होंगे, लेकिन एक कोई महाद्वीप की तरह का जमीन नहीं है। यहां पर समुद्र का पानी ही अत्यधिक ठंडा होकर ग्लेशियर बन जाता है, लेकिन जब हम दक्षिणी गोलार्ध को देखते हैं तो ये एक महाद्वीप है, महाद्वीप है, अंटार्कटिका जमीन है या महाद्वीप है, तो हम इसको महाद्वीपीय हिमनद कहेंगे।
वैसे ही इस जगह पे ग्रीनलैंड, अगर आप देखेंगे मैप में तो ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका देखें, उत्तरी अमेरिका में कनाडा के पूरब की तरफ देखिए तो ग्रीनलैंड आपको नजर आएगा, एक बड़ा सा लैंड। 66.5 डिग्री के उत्तर में है तो ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा तो बर्फ जम जाएगा, महाद्वीपीय हिमनद का उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम कहें तो कुछ अल्पाइन ग्लेशियर होते हैं जो अपेक्षाकृत ऊंचाई पे होते हैं, ऊंचाई के कारण ग्लेशियर्स का निर्माण होता है, जैसे कि रॉकी पर्वत पे, एंडीज पर्वत पे, हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पे, आल्प्स पर्वत की ऊंचाइयों पे हमको हिमनद नजर आता है, हमको हिमनद मिलता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो इसका मतलब है कि मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में महाद्वीपीय आकार का बड़े बड़े ग्लेशियर्स का निर्माण होता है, क्योंकि अपेक्षाकृत पूरे क्षेत्र पे, पूरे अक्षांशीय रेखा पे ठंड होती है, जिसके कारण अपेक्षाकृत विशालतम ग्लेशियर्स का निर्माण होता है। इसके इतर भारत जैसे या इन गर्म क्षेत्रों पे ऊंचाई के कारण ग्लेशियर्स का निर्माण होता है ना, तो इस संदर्भ में पर्वतीय ग्लेशियर कह सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के ग्लेशियर्स, और दूसरा महाद्वीपीय क्षेत्रों के ग्लेशियर्स। क्लियर है? तो दो प्रकार के ग्लेशियर हो गए। अब जो ये पर्वतीय क्षेत्र के ग्लेशियर्स हैं जो पर्वतों पे पाए जाते हैं, तो इसमें कुछ ग्लेशियर ऐसे होंगे, इसमें कुछ ग्लेशियर ऐसे होंगे जो पर्वत की चोटी पे होंगे, और कुछ ग्लेशियर ऐसे होंगे जो पर्वत के बिल्कुल नीचे होंगे, बॉटम पे होंगे। क्लियर है? तो क्या होगा, कई बार कुछ ऐसे ग्लेशियर्स होंगे जो ऊंचाई पे होंगे, और कुछ कुछ कई बार कुछ गैस ग्लेशियर्स ऐसे होंगे जो अपेक्षाकृत क्या होंगे, जो नीचे होंगे, है ना। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि कई बार ग्लेशियर्स क्या होता है कि मान लीजिए कि पहाड़ है, और इसके बाद इस पहाड़ की ये चोटी, ये सब चोटियां हैं, तो यहां पर ग्लेशियर बन जाएगा, यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, यहां ऊंचाएगा, और इस पहाड़ का बिल्कुल बॉटम है, पर्वत पाद है, या कह सकते हैं कि उसका बॉटम है, यहां पर अगर ठंडक ज्यादा है, 0 डिग्री से कम तापमान है, तो यहां पर ग्लेशियर्स का निर्माण हो जाएगा, यहां पर ग्लेशियर्स का निर्माण हो जाएगा। तो इस संदर्भ में यही बातें यहां पर लिखी गई हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर और क्लास करते हैं, 10-15-20 मिनट, ठीक है, उसके बाद आज क्लास स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा शोर ज्यादा आ रहा है जिसके कारण मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो 10-15 मिनट्स तक डिस्कशन और करते हैं, और उसके बाद फिर इस टॉपिक को कल की क्लास में विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया यहां पर तीन प्रकार के ग्लेशियर्स हैं, तीन जो ग्लेशियर्स हैं उनको तीन तरीके से देख सकते हैं। एक को हम कहते हैं घाटी हिमनद, एक को हम कहते हैं घाटी हिमनद, दूसरे को हम कहते हैं पर्वतपादीय हिमनद, और तीसरे को हम कह रहे हैं महाद्वीपीय हिमनद, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। पर्वतों पे जो ऊंचाई पे है उसको हमने घाटी कहा, और जो पर्वत के बिल्कुल बॉटम पे है उसको हमने कहा पर्वतपादीय हिमनद। तो जो भी ग्लेशियर्स हैं उनको उनके लोकेशन के आधार पे पर्वतों पे वैली ग्लेशियर और पर्वतपादीय हिमनद के रूप में हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बारे में ये बातें यहां पर लिखी गई हैं, और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स क्या होता है उसको लेके मैंने आपको भी विस्तार दिया, समझाया, ठीक है। चलिए, एक और कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्नो लाइन। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्नो लाइन। ये लास्ट है, इसको समझा के आज स्टॉप करते हैं, इसको रोकते हैं क्लास को। ध्यान से समझिएगा स्नो लाइन क्या होता है ना, ध्यान से समझिएगा स्नो लाइन क्या होता है, और स्नो लाइन को जोड़ के सवाल बन सकता है, इस बात को ध्यान एकदम बिल्कुल फोकस होकर समझिएगा। अगर मैं कहूं, एक स्टेटमेंट आपको दूं, पहले मैं इसको समझाने से पहले एक स्टेटमेंट आपको देता हूं,
ये 0 डिग्री है ना, ये 23.5 डिग्री है, तीसरा मान लीजिए कि 45 डिग्री है, 45 डिग्री है ना, या इसको मान लीजिए 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ऐसा मान लीजिए। ये क्या अक्षांशी रेखा की बात कर रहा हूं, 0 डिग्री अक्षांशी रेखा, 0 डिग्री अक्षांशी रेखा, 30 डिग्री अक्षांशी रेखा और 45 डिग्री अक्षांशी, उत्तर या दक्षिण कुछ भी हो। 0 डिग्री पे तापमान अपेक्षाकृत क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, है ना, लंबवत पड़ती हैं, साल में 2 बार यहां पर पड़ती हैं और साल भर लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात की स्थिति यहां पर रहती है। इसका मतलब है कि यहां पर सूर्य ताप अपेक्षाकृत ज्यादा है, और सूर्य ताप अगर अपेक्षाकृत ज्यादा है, अगर सूर्य ताप ज्यादा है तो यहां पर तापमान ज्यादा होगा, यहां पर तापमान ज्यादा होगा। तो मान लीजिए कि समुद्र के स्तर पर तापमान जो है, समुद्र के स्तर पर मान लीजिए कि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है ना, समुद्र के स्तर पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, और अगर मैं 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाऊं, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे बढ़ूं इसी जगह पे 0 डिग्री पे ही, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, जैसे कि माउंट किलिमंजारो। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो स्नो लाइन है इसको कल की क्लास में चर्चा करते हैं, है ना, कल की क्लास में इसको विस्तार से डिस्कस करते हैं। थोड़ा शोर आ रहा है कंस्ट्रक्शन के कारण, तो कल इसको विस्तार से इसको चर्चा करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए तो कल की क्लास में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।